अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, अब हमारी ईद आती है 22 को या 23 को। अब इस चीज़ का सस्पेंस है और बाज़ारों में इतना ज़्यादा रश है। मैं कहती हूँ एक तो महंगाई हुई हुई है और जो दुकानदार है उन्होंने एक खुद रेट इतने अप कर दिए हैं, लोग भी मजबूर हैं। अब लोग क्या करें, और ये देखें रश की तो इंतहा हुई हुई है। और गरीब आवाम कहाँ जाए, गरीब आवाम कहाँ से खरीदे, कहाँ से अपने बच्चों की खुशियों के लिए क्या कर जाए। और जो बेवा माएँ हैं वो कैसे अपनी ईद गुजारेंगी, जो बाहर गए हुए हैं आउट ऑफ कंट्री हैं वो अपने साथ अपने प्यारों के साथ ईद नहीं मना सकते हैं, वो कैसे मनाएंगे। और सबसे बड़ी बात, ज़िंदगी में जो हमारे ज़िंदगी से चले गए हैं वो हमारे साथ नहीं है, तो कैसी ईद और कैसी ईद की खुशियाँ। जो चले गए हैं वो बहुत याद आते हैं, और जो दुनिया में हैं उनकी परवाह करें, उनके साथ अच्छा वक्त गुजारें, अपनी ईद को अच्छा बनाएं और सबके साथ खुशियाँ। और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि इस दफ़ा हमारा सऊदी अरब के साथ ही रोज़ा हुआ है और ईद भी हमारी सऊदी के साथ ही होगी या हमारी ईद इंडिया के साथ होगी। आप कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।